गणित का डर दूर करने और विषय समझ को मजबूत बनाने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की परिचय और कोर के बाद पेश है तीसरी वीडियो एडवांस। बाद में एप्लीकेशन के साथ विषय को समाप्त करेंगे। आज की इस वीडियो में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कोर भाग के दोहरान के साथ। परिचय और कोर भाग की वीडियो में हमने जाना था कि समकोण त्रिभुज एक सरल तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति है जिसके एक शीर्ष पर 90 डिग्री का समकोण है तथा दो अन्य शीर्षों पर न्यून कोण है जिनका योग 90 डिग्री है जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह के एक सरल समकोण त्रिभुज की आकृति में दो भुजाएं एक समान है और ये दोनों कोण भी एक समान 45 डिग्री के हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज में हम किसी एक कोण को अपना संदर्भ बनाकर विषय का अध्ययन करते हैं। अगर इस त्रिभुज में शीर्ष सी पर बने हुए इस 45 डिग्री के कोण को मैं अपना संदर्भ बनाऊं तो इस संदर्भ कोण और समकोण के बीच की ये जो क्षैतिज भुजा है वो मेरा आधार हो गई बीसी और ये जो संदर्भ कोण के बिल्कुल सामने खड़ी भुजा है एबी वो मेरा लंब हो गई। पाइथागोरस के गणना अनुसार जो समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा कर्ण है उसका मान हो गया वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए तो इस त्रिभुज में साइन थीटा का संबंध लंब के कर्ण के साथ अनुपात से है जो हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा भी 1/√2 हो जाएगा अर्थात 45 डिग्री संदर्भ कोण में पूरक कोण भी 45 डिग्री है तो साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान 1 बराबर है। और इसी त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात टेन थीटा भी बड़ा सरल सा फिगर हो जाएगा 1 है। 45 का मान 1 है इसे हमें याद कर लेना चाहिए। संदर्भ कोण 30 और संदर्भ कोण 60 में एक रोचक √3 का हिसाब है। 30 डिग्री के स्थिति में जो आधार है वो लंब से √3 गुना बड़ा है जबकि 60 डिग्री की स्थिति में जो लंब है वो आधार से √3 गुना बड़ा है। साइन 30 डिग्री का संबंध लंब का कर्ण के साथ अनुपात 1/2 आएगा जिसे हमें याद कर लेना चाहिए। और जब हम 60 डिग्री के लिए साइन थीटा की गणना करेंगे तो क्योंकि लंब √3 गुना बड़ा हो गया है आधार से तो अब जो साइन 60 का मान है वो साइन 30 से √3 गुना बड़ा हो गया है। और अगर आप टेन थीटा की स्थितियां देखेंगे तो 30 डिग्री में क्योंकि लंब छोटा है इसलिए टेन थीटा 45 डिग्री वाले मान से छोटा 1/√3 है और 60 डिग्री के मान के लिए क्योंकि लंब बड़ा हो गया है तो टेन थीटा √3 गुना बड़ा हो गया है। क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री परस्पर पूरक है तो आप पाएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान और कोस 60 डिग्री का मान बराबर हाफ है। तो अगर हमें साइन 30 डिग्री का मान याद है तो हमें कोस 60 का भी मान याद होगा। इसी तरह से 30 और 60 में √3 का हिसाब होने के कारण 60 डिग्री के साइन का मान √3/2 है तो 30 डिग्री के कोस का मान भी √3/2 होगा। एक छोटे उदाहरण से शुरू करते हैं। हमें 10 स्क्वायर 60 डिग्री में साइन स्क्वायर 30 का घटाव ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 है और 60 डिग्री में लंब बड़ा होता है इसलिए 10 डिग्री का मान √3 होगा। अब मान को दिए गए त्रिकोणमिति व्यंजन में स्थापित कर देना है तो जब मैं 10 की जगह √3 लिखता हूं तो 10 स्क्वायर 60 √3 का वर्ग हो गया और साइन 30 की जगह जब 1/2 रखता हूं तो साइन स्क्वायर 30 1/2 का वर्ग हो गया। वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो गया, 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया। अब हमने एलसीएम ले लिया तो ये 12/4 जब लिखा गया तो ये 12 में से एक घटने के बाद ये 11/4 मेरा उत्तर आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं कि हमें स्क्वायर 45 और 10 स्क्वायर 60 के जोड़ में जो दुगना होने के बाद जो राशि आएगी उसमें से साइन स्क्वायर 45 और 10 स्क्वायर 30 के अंतर का 6 गुना घटाना है। हम जानते हैं कि 45 डिग्री पे कोस 45 और साइन 45 दोनों का मान 1/√2 होता है क्योंकि 45 डिग्री संदर्भ कोण के साथ जो त्रिभुज बनता है उसमें आधार और लंब अगर एक एक इकाई के हों तो कर्ण √2 इकाई का होता है। हमें मालूम है कि 10 45 का मान 1 है और 10 60 का मान बड़ा है √3 गुना और 10 30 का मान है √3 गुना छोटा 1/√3। तो अगर मैं कोस 45 की जगह 1/√2 रखता हूं और वर्क करता हूं, 10 60 की जगह √3 रखता हूं, वर्क करता हूं और जोड़ देता हूं और फिर दुगना करता हूं या वैल्यू रख देता हूं, साइन 45 की जगह 1/√2 लिखता हूं और 10 30 की जगह 1/√3 लिखता हूं तो अब मैं पाता हूं वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएंगे, 1/√2 का वर्ग 1/2 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, एक बार फिर 1/√2 का वर्ग 1/2 और यहां 1/√3 का वर्ग 1/3 हो गया। यहां सरल
टोटल करने के लिए जो दो बाहर से गुणा हो रहा है उसको एक एक राशि से गुणा किया, जो पहला गुणा है दो का आधे से वो एक आ गया, दो का तीन से गुणा छह हो गया, छह को दो से गुणा किया तो ये तीन हो गया और बाहर माइनस का चिन्ह है। इसी तरह से छह का तीन से गुणा दो हो गया और बाहर माइनस के चिन्ह से ये माइनस प्लस हो गया है। अंत में ये सारी गणना हमने की तो अंतिम उत्तर इस पूरे व्यंजन का मान छह के में हमें प्राप्त हो गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी उदाहरण करते हैं, हमें टेन स्क्वायर 60 को सेक स्क्वायर 45 से गुणा करना है और इस गुणे में से कॉस स्क्वायर 30 और टेन 45 के गुणे का घटाव करना है। मान रखते हैं हमें मालूम है टेन 45 का मान एक होता है और 60 डिग्री संदर्भ कोण के समकोण त्रिभुज में लंब बड़ा होता है, इसलिए टेन 60 का मान रूट 3 है। हमें पता है कि सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है तो सेक 45 कॉस 45 का उल्टा हो गया और साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो सेक 45 का मान यहाँ हमें √2 रखना है और कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा है और साइन 30 वो अकेला व्यंजन है जो हमने आसानी से याद कर रखा है, उसका मान है 1/2। उल्टा करेंगे तो कोसेक 30 का मान आ जाएगा 2 और एक और चीज हमें याद है कि टेन 45 का मान 1 है जो हम यहाँ रख देंगे। हमने टेन 60 की जगह इसका मान √3 रखा और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। हमने सेक 45 की जगह कोस 45 का उल्टा करने के बाद ये जो मान आया है √2 वो रखा और जब हमने वर्ग किया √2 का तो √2 2 हो गया। कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा है और साइन 30 आधा है तो कोसेक 30 का मान 2 है और जब 2 का मान रखने के बाद कोसेक 30 की जगह हमने जब 2 का मान रखा और 2 का वर्ग किया तो ये 4 आ गया और 4 को 1 से 1045 का मान 1 है रखा तो ये जो अंतिम गणना है 3 में 2 का गुणा 6 हो गया, 6 में से 2 घटा तो ये मेरा अंतिम परिणाम इस पूरे व्यंजन का 2 आ गया। त्रिकोणमिति में एक बहुत रुचिकर विषय है पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन। किसी भी समकोण त्रिभुज की ज्यामिति में दो कोण पूरक होते हैं यदि उनका जोड़ क्या हो 90 डिग्री। हमारे समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री है और तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, तो ये जो बचे हुए दोनों न्यून कोण हैं इनका योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे पूरक कोण कहलाएंगे। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में दो कोण है एक 20 डिग्री और एक 70 डिग्री तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे पूरक होंगे। अर्थात 20 डिग्री का कोण 70 डिग्री के कोण का पूरक है और भी सही है कि 70 डिग्री का कोण 20 डिग्री के कोण का पूरक, कि यहां ये जो दो कोण है थीटा और 90 माइनस थीटा वो एक दूसरे के क्या है पूरक है। और ऐसी पूरक कोण की स्थिति में अगर आप इस त्रिभुज में देखिए अगर मैं साइन थीटा निकाल रहा हूं इस संदर्भ कोण के साथ जो ऊपर बना हुआ थीटा है तो साइन थीटा में लंब पीएम आएगा और भाग में कर्ण होगा, और अगर मैं दूसरे पूरक कोण 90 माइनस थीटा के साथ कोस कैलकुलेशन करूं कोस 90 माइनस थीटा तो वही पीएम इस बार आधार हो जाएगा और मैं कह सकता हूं कि आधार बटा कर्ण 90 माइनस थीटा के लिए और लंब बटा कर्ण थीटा के लिए बराबर है, अर्थात कोस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। इसी प्रकार अगर मैं इस कोण थीटा के साथ कोस थीटा तो अंश में ओएम आधार आएगा और वही ओएम 90 माइनस थीटा के लिए लंब है तो साइन 90 माइनस थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होंगे क्योंकि हर में ओपी कर्ण दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि पूरक कोणों में एक का साइन दूसरे के कोसाइन के बराबर है। यही बात हम कह सकते हैं कि एक का टेन दूसरे के कोट के बराबर है, अर्थात टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोट थीटा या कोट 90 माइनस थीटा इजिकल टू टेन थीटा। पूरक कोणों से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं, हमें साइन स्क्वायर 40 में से कोस स्क्वायर 50 को घटा के क्या मान आएगा ये ज्ञात करना है। तो मैंने देखा कि 40 और 50 एक दूसरे के पूरक कोण है और मैं 50 डिग्री को 40 डिग्री में बदल सकता हूं। अगर मैं इस 50 डिग्री की जगह 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिखता हूं कोस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री का मान साइन 40 डिग्री के मान के बराबर है, तो मैंने कोस 50 डिग्री की जगह जब साइन 40 डिग्री लिखा तो मैं देखता हूं कि ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 40 डिग्री जब परस्पर एक दूसरे से घटाई जाएगी तो उत्तर क्या आ जाएगा 0। एक और प्रश्न करते हैं, हमें कोस 45 में साइन 49 का भाग देके और उसमें जोड़ना है sec 37 और cos 53 का भाग, ये 40 डिग्री और ये 49 डिग्री एक दूसरे के क्या है पूरक कोण है, इसी तरह से ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री भी एक दूसरे के पूरक कोण है, अर्थात मैं 49 डिग्री को 41 डिग्री में और 53 डिग्री को 37 डिग्री में बदल सकता। अभी पूरक कोणों की गणित प्रयोग करने से पहले मैंने sec 37 डिग्री को cos 37 डिग्री में बदल देना है और cosec 53 डिग्री को sin 53 डिग्री में बदल देना है क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब मैं पूरक कोणों की गणित का प्रयोग करता हूं कि साइन 49 की जगह मैं पूरक कोण 41 है कोस 41 लिख सकता हूं, इसी तरह से साइन 53 की जगह उसका पूरक कोस 37 डिग्री लिख सकता हूं। अब आप देखिए अंश और हर में एक जैसी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो वो आपस में कट के अनुपात 1 दे देंगे और एक का जोड़ 2 हो जाए। जो सूत्र हमने पूरक कोणों के इस्तेमाल किए उन्हें दोबारा देख लीजिए कि मैंने साइन 49 को जब 90 और 41 के अंतर के बराबर 49 डिग्री को लिखा तो वो साइन
49 क्या है, cos 41 के बराबर हो गया है, ये रूपांतरण मैंने किया। इसी तरह से 53 को मैंने जब 90 और 37 के अंतर के तौर पे लिखा तो sin 53 डिग्री क्या हो गया है, cos 37 डिग्री हो गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें tan 60 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री का गुणनखंड 1 के बराबर है ये सिद्ध करना है। यही प्रश्न tan के बजाय sin या cos के रूप में भी पूछा जा सकता है। जो तथ्य हमें ध्यान रखना है ये है कि यहाँ 7 डिग्री और 83 डिग्री परस्पर पूरक, इसी तरह से 23 डिग्री और 67 डिग्री भी परस्पर पूरक कोण है। एक अच्छी परंपरा हो सकती है कि हम बड़े मान के कोण को उसके छोटे मान के पूरक कोण में बदल दें। हमने tan 67 को cot 23 में बदल दिया है और इसी तरह से tan 83 को cot 7 में बदल दिया है। tan 7 डिग्री और cot 7 डिग्री एक समूह के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री एक दूसरे समूह के रूप में लिखे जा सकते हैं। हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बराबर मान के tan 7 डिग्री और cot 7 डिग्री का गुणनफल 1 हो गया। इसी तरह से tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री का गुणनफल भी 1 हो गया और हमारा दायां पक्ष आ गया है, यानी ये चीज कि इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों का गुणनफल 1 के बराबर है ये सिद्ध हो गया है। जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि यही प्रश्न sin 7 डिग्री, sin 23 डिग्री, sin 67 डिग्री और sin 83 डिग्री के गुणन के रूप में, या cos 7 डिग्री, cos 23 डिग्री, cos 67 डिग्री और cos 83 डिग्री के गुणनफल के रूप में भी पूछा जा सकता है। हमें दिया हुआ है कि यदि sin 3a और cos a-26 का मान बराबर हो तो यहाँ एंगल a का मान क्या है। अब इस प्रश्न को देखकर हमें ये अंदाज लगाना है कि ये प्रश्न पूरक कोण का प्रश्न है और ये अंदाज हमें लगेगा जब हम देखेंगे कि यहाँ ये त्रिकोणमिति फलन sin है और यहाँ cos है और sin और cos में पूरक संबंध होता है। मैं एक कार्य करता हूँ कि sin को cos में बदलने के लिए sin 3a की जगह लिख देता हूँ cos 90-3a। मुझे पता है 3a और 90-3a पूरक है और sin और cos में पूरक संबंध है। अब मैं sin 3a क्योंकि cos a-26 के बराबर है तो मैं जब इस समीकरण को समझता हूँ कि cos 90-3a cos a-26 हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि बाएं पक्ष का जो कोण है और दाएं पक्ष का कोण है वो बराबर है। अब ये एक साधारण सा समीकरण हो गया, 3a का पक्ष रूपांतरण किया तो वो माइनस इधर प्लस होके 4a हो गया और ये 90 जो -26 है इधर उसमें जुड़ गया है और 116 हो गया है और गणना करने पे 4 का भाग देने पे 116 मुझे मेरे इच्छित a का मान 29 डिग्री आ गया है। त्रिकोणमिति में कुछ सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इक्वालिटीज हैं, सर्व समीकाएं हैं जिनकी मदद से परीक्षाओं के प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है OMP जिसके शीर्ष M पर समकोण है और हमारे अध्ययन का संदर्भ कोण शीर्ष O पर बना हुआ है जिसे हम यहाँ थीटा कह रहे हैं, नीले एरो से हम दिखा रहे हैं। अब संदर्भ कोण और समकोण के बीच की ये जो क्षैतिज भुजा है वो आधार हो गई और संदर्भ कोण के सामने ये खड़ी भुजा MP लंब है और ये समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा OP हमारा कर्ण है। अब यहाँ दो त्रिकोणमिति अनुपात ले, एक हमारा संदर्भ कोण का साइन थीटा है जिसका संबंध लंब MP से है और दूसरा कोस थीटा है जिसका संबंध हमारे आधार OM से है। दोनों में ही हमारा कर्ण OP हर में है। अब मैंने क्या किया, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का वर्ग किया और जोड़ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये जो हर है OP वर्ग करने के बाद इसका स्वरूप हो गया OP स्क्वायर, वो उभयनिष्ठ है बाहर आ गया और ये दोनों जो अंश है इधर MP का स्क्वायर और इधर OM का स्क्वायर, ये साइन का लंब MP स्क्वायर और ये कोस का आधार OM स्क्वायर आपस में जुड़ गया है। और मुझे पता है कि त्रिकोणमिति में अगर मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करूं तो ये लंब का वर्ग और आधार का वर्ग है वो कर्ण का वर्ग हो गया और कर्ण यहाँ OP है और अगर मैं दोनों जगह यहाँ OP स्क्वायर और OP स्क्वायर को भाग विभाजित कर दूं तो जो भागफल है वो 1 आ गया, तो मेरा निष्कर्ष आ गया। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण इक्वालिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ 1 के बराबर है। इसका उपयोग अब हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने पाया कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जब जोड़ा जाता है तो वो जोड़ कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। अगर हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग का भाग दे दें तो ये लंब और कर्ण का अनुपात तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और आधार और कर्ण का अनुपात कोस थीटा हो जाएगा और ये वर्ग में है इसलिए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर कर्ण स्क्वायर में जब कर्ण स्क्वायर का भाग होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो हम पाते हैं कि हमारे पास एक बहुत प्रचलित सर्वसमिका आ जाएगी जो कहती है कि एक त्रिभुज में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का योग 1 के बराबर है। इसी सर्वसमिका का हम एक दूसरा रूप पा सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देते हैं तो ये जो 1/ साइन स्क्वायर थीटा है इसका रूप तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर जब मैंने ये दो भागों में किया तो साइन स्क्वायर थीटा में जब साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो ये तो हो गया 1 और ये कोस स्क्वायर थीटा में जब साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा और ये हो गई मेरी एक और सर्वसमिका।
समीकरणिका जो कहती है कि 1 और cot square थीटा का योग cosec square थीटा के बराबर है। मैं ये सर्व समीका यहाँ इस पाइथागोरस प्रमेय से सीधे भी प्राप्त कर सकता था। अगर मैं इसमें लंब स्क्वायर का भाग दे देता तो जब लंब स्क्वायर में लंब स्क्वायर का भाग देता तो 1 आ जाता, आधार और लंब का अनुपात कोट है तो उसका वर्ग हो जाता, और कर्ण और लंब का जो अनुपात है वो साइन थीटा का उल्टा cosec square थीटा है। इसी पाइथागोरस से ये सर्व समीका सीधे प्राप्त कर सकता। अभी हमने इस प्रचलित सर्व समीका cos square थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया था। इसी में अगर मैं cos square थीटा का भाग दूंगा तो ये साइन और cos का अनुपात तो tan square थीटा हो जाएगा। cos square में cos square के भाग से ये cos square में cos square के भाग से ये 1 आ जाएगा, और 1 में cos square के भाग से ये sec square थीटा आ जाएगा। ये एक मेरा नया रूप आ गया कि 1 और tan square थीटा का योग sec square थीटा है। मैं वो तीनों सर्व समीकरण एक बार फिर लिख देता हूं। ये सबसे सरल और प्रचलित है कि cos square थीटा और sin square थीटा का योग 1 है, जो सीधा इस में कर्ण स्क्वायर का भाग देने से आया है। ये एक दूसरा रूप है जिसमें हमने इस समीकरण में जो पाइथागोरस का प्रमेय है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, उसमें लंब स्क्वायर का भाग दिया तब आया है, और ये तीसरी उपरोक्त में जब मैंने आधार स्क्वायर का भाग दिया है तो ये रूप आ गया है। हम इन तीनों को याद ना करके अधिकांश प्रश्न सिर्फ एक इस सर्व समीका से कर लेंगे, क्योंकि ये बाकी दो भी इसी एक का ही दूसरा रूप है। त्रिकोणमिति सर्व समीकाओं पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और एक आसान से प्रश्न से शुरू करते हैं। हमें टेन थीटा और कोट थीटा के जोड़ को सिद्ध करना है कि वो 1/ साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा है। तो एक सरल तरीका होता है कि जब कभी भी हमें टेन थीटा या कोट थीटा दिया हुआ हो तो हम उसे क्या करते हैं, साइन और कोस में बदल लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी तरह से कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन। अब आप देखिए कि यहां हमारे हर में साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा। अगर मैं अब एलसीएम लूंगा तो मेरे हर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा। और ऊपर देखिएगा, इसे जब ऊपर नीचे साइन थीटा से गुणा किया, नीचे साइन थीटा कोस थीटा पाने के लिए, तो यहां तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसे जब ऊपर नीचे कोस थीटा से गुणा किया था तो इसमें आ गया कोस स्क्वायर। और ये वो प्रचलित सर्व समीका है जिसका मान हमें मालूम 1 के बराबर। अगर मैं यहां 1 रख दूंगा तो मेरा जो दायां पक्ष है राइट हैंड साइड आ गया, और ये चीज प्रूव हो। ये अत्यंत प्रचलित प्रश्न है जिसमें हमें सिद्ध करना है कि साइन ए में जब 1 प्लस कोस ए का भाग हुआ और 1 प्लस कोस ए में जब साइन ए का भाग हुआ तो ये किसके बराबर होगा, 2 कोस ए के बराबर होगा। प्रत्यक्ष में प्रश्न को देखकर कोई सीधी कार्यरेखा नहीं मिलती, पर एक सामान्य रणनीति होती है कि अगर अलग अलग हर है तो एक एलसीएम ले लिया जाना चाहिए। तो हमने इसे ऊपर नीचे साइन ए से और इसे ऊपर नीचे 1 प्लस कोस ए से गुणा, और ये स्वरूप आ गया। अब इस 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये हो गया 1 कोस स्क्वायर ए और 2 कोस ए। अब आप देखिए कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, जब इसे समूह में रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 और 1 जुड़कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अभी ये दोनों 2 जब मैं कॉमन लूंगा तो ये जो चीज है देखिए ये कट जाएगी, 1 प्लस कोस ए अंश और हर दोनों में आने से कट गया, और ये क्या हो गया, 2/ साइन ए, और ये मेरा स्वरूप आ गया। एक और प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा का भाग देने के बाद जब हम वर्गमूल लेंगे तो इसका मान कोस थीटा में 1 प्लस साइन थीटा के भाग के बराबर होगा। अब इस प्रश्न की बनावट देखिएगा, और आप हर में ये दो राशियां देखिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी ये जो वर्गमूल है इसे आपको हटाना है। वर्गमूल को हटाने के लिए मैंने ये जो हर में वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा है इससे बाएं पक्ष को ऊपर नीचे गुणा कर दिया कि ये वर्गमूल में 2 1 प्लस साइन थीटा आ गया है, यानी 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग आ गया है, और जब मैं वर्गमूल लूंगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा। जो मेरा डिनोमिनेटर का पक्ष है वो एक समान आ गया। अब आप देखिए कि मेरा न्यूमरेटर भी मिलान कर गया है, क्योंकि जब ये मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाकर इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा और वर्गमूल लिया, सर समीका है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका इस्तेमाल करूंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेने से ये क्या आ गया, कोस थीटा आ गया, अर्थात मेरा दायां पक्ष आ गया है। और ये जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर आने वाला वो हमने सिद्ध कर दिया है। प्रश्नों की थोड़ी जटिलता के स्तर को ऊंचा करते हैं, और एक प्रश्न करते हैं जिसमें 1 माइनस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का भाग देने पर कोस ए के और टेन ए के अंतर का वर्ग के बराबर है। सामान्यतः हमने प्रश्नों को बाएं पक्ष को हल करते हुए हल किया था, लेकिन यहां क्योंकि दाएं पक्ष में सेक ए और टेन ए है, हमारी एक परंपरा है साइन ए और कोस ए के रूप में किसी भी प्रश्न को ज्यादा सहजता से समझ सकते हैं, तो हम इस सेक ए और इस टेन ए को साइन और कोस में बदलकर और दाएं पक्ष से इस प्रश्न को शुरू करते हैं। और हमने सेक ए की
की जगह उसका उल्टा वन प्लस कोस ए लिख दिया और टेन ए हमें पता है साइन ए और कोस ए का अनुपात है और यहाँ एक अच्छी बात है हर में कोस ए समान है तो उसे उभयनिष्ठ किया तो ये जो स्वरूप है वो वन माइनस साइन ए का वर्ग और नीचे कोस ए का वर्ग हो गया। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वसमिका है हमारी कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान एक है तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि कोस स्क्वायर ए की जगह ये जो कोस स्क्वायर ए है इसकी जगह हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि ये ए स्क्वायर वन का स्क्वायर भी वन होता है माइनस बी स्क्वायर का रूप हो गया है और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो वन माइनस साइन ए है ये मुझे ऊपर दिख रहा है अब ऊपर तो वन माइनस साइन ए का वर्ग है और नीचे मेरे पास दो राशियां आ गई एक वन प्लस साइन ए और एक वन माइनस साइन ए और ये वन माइनस साइन ए इस वर्ग वाले एक से कट जाएगी तो ऊपर तो सिर्फ एक वन माइनस साइन ए बच जाएगा और नीचे वन प्लस साइन ए आ जाएगा और ये वही है जो मेरा बायां पक्ष है अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है। हम इस प्रश्न को बाएं पक्ष से शुरू करके भी कर सकते थे लेकिन ऐसी स्थिति में इसका ये जो पहला चरण है वो याद रखना पड़ेगा कि हमें इस राशि को जो बाएं पक्ष में हमें दी हुई है वन माइनस साइन ए अनुपात वन प्लस साइन ए इसे ऊपर नीचे वन माइनस साइन ए से गुणा करना है। ये जो पहला चरण है वो हमें क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। तो अब आप ऊपर देखिए यहाँ दो बार वन माइनस साइन ए आया तो ये वन माइनस साइन ए का क्या हो गया है वर्ग हो गया है और यहाँ नीचे मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाना है तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा और इसी आइडेंटिटी से ये उल्टा अगर आप करें तो वन माइनस साइन स्क्वायर a की जगह आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब आप एक काम करें कि ये जो वर्ग दोनों जगह है इस वर्ग को बाहर ले लें और अब एक बार तो एक में cos a का भाग है और एक बार साइन a में cos a का भाग है और आप देखिए आपका दायां पक्ष आ गया है। इस तरह से सवाल करना थोड़ा जटिल है क्योंकि आपको स्टेप याद रखनी पड़ेगी। दो स्टेप्स महत्वपूर्ण है एक पर नीचे वन माइनस साइन ए का गुणा करना है और फिर इस वन माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए करना है फिर वर्ग को बाहर लेना है और फिर ये आसान। फिर आप एक सरल सा प्रश्न लेते हैं हमें सिद्ध करना है कि कोस ए की पावर चार और साइन ए की पावर चार का अंतर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या यही चीज वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए है और कोई हमें कह सकता है कि यही चीज टू कोस स्क्वायर ए माइनस एक है। अब यहाँ साफ दिख रहा है हम कोस ए की पावर चार और साइन ए की पावर चार को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कोस ए की पावर चार है वो कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर है इसी तरह से साइन ए की पावर चार साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जहां ए है कोस स्क्वायर ए और बी है साइन स्क्वायर ए और मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी तो ये ए कोस स्क्वायर ए और बी साइन स्क्वायर ए हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसी तरह से ए माइनस बी की जगह आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और ये बहुत महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति सर्वसमिका है आइडेंटिटी है कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान एक के बराबर है। अगर इसकी जगह हम एक लिखते हैं तो हम सिद्ध करते हैं कि हमारा जो राइट साइड है वो आ गया है क्योंकि कोस ए की पावर चार और साइन ए की पावर चार सिद्ध हो गई है कि वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। अब इसका अगला अंक करते हैं पुनः यही आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं और इस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं एक माइनस साइन स्क्वायर ए और जब हम ये लिखेंगे तो ये दोनों साइन स्क्वायर ए जुड़कर हो जाएंगे माइनस टू साइन स्क्वायर ए और हमारा ये दायां पक्ष आ गया है और हमने सिद्ध कर दिया है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है वन माइनस टू साइन स्क्वायर के। अगर हम इसी साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिखते तो यही स्टेटमेंट कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव हो जाता कि दो कोस स्क्वायर ए माइनस एक के बराबर है। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमें सिद्ध करने को दिया है वो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है जिसमें हमें sec a को जब 1 माइनस साइन ए से गुणा करेंगे और इस पूरे गुणे को sec a प्लस tan a के जोड़ से गुणा करेंगे तो गुणनफल एक आएगा ऐसा हमें सिद्ध करना है। एक सामान्य तरीका हो सकता है हमारा कि हम sec a और tan a को sin और cos में बदल देते हैं। हमने से एक सब्स्टिट्यूशन किया sec a की जगह एक बटा cos a लिख दिया यहाँ भी sec a की जगह एक बटा cos a लिख दिया और यहाँ tan a की जगह sin a बटा cos a लिख। अब आपने यहाँ दोनों जगह पे एक अच्छी बात है कि cos a उभयनिष्ठ हर है कॉमन ले लिया और ऊपर जोड़ आ गया 1 प्लस साइन ए और इधर ये 1 माइनस साइन ए एक से गुणा हो गया नीचे cos a आ गया तो ये नीचे दोनों cos a गुणा होके cos स्क्वायर a हो गए और ऊपर आप देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए a प्लस b और a माइनस b का रूप आ गया और इसे मैंने a स्क्वायर माइनस स्क्वायर कर दिया। अब वो प्रमुख आइडेंटिटी मैंने इस्तेमाल की जो कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का योग एक है तो अगर मैं एक में साइन स्क्वायर a घटाऊंगा तो वो cos स्क्वायर a आ जाएगा हर में भी cos स्क्वायर a है और दोनों आपस में पूरे विभाजित हो गए और मेरा दायां पक्ष ये एक उत्तर आ गया। अब करते हैं एक बहुत खूबसूरत सा उदाहरण जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस cos a में जब 1 माइनस cos a का भाग देंगे और उस पूरे का वर्गमूल लेंगे तो वो 1 प्लस cos a बटा sin a होगा। बाद में हम इसी को प्रूव कर देंगे कि ये cos a के माइनस cot a है और ये दिखते
ही पता लग जाएगा कि इसको करने का क्या नजरिया या तरीका होगा। देखिए हमें अंश में 1 + cos a चाहिए और इधर अंश में 1 + cos a का वर्गमूल है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 1 + cos a के वर्गमूल का गुणा कर देता हूँ तो मुझे ये 1 + cos a और 1 + cos a दो बार आया, और वर्गमूल लेने के बाद ये मेरा जो इच्छित उत्तर वाली दाएं पक्ष में वो आ रहा है। और अब नीचे देखिए a + b और a - b का गुणा a² - b² का सूत्र लगाया, वो जो हमारी प्रचलित सर्वसमिका है sin² a और cos² a का जोड़ 1 के बराबर है, उसका उपयोग किया तो मैंने देखा 1 - cos² a की जगह क्या लिख सकता हूँ sin² a, और जब वर्गमूल लूंगा तो ये वो आ गया जो मुझे चाहिए था sin a। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। अभी इस प्रश्न का दूसरा भाग लेते हैं और सिद्ध करते हैं कि 1 + cos a में जब sin a का भाग देंगे तो वो cosec a - cot a। दोनों जो अंश में चीजें हैं 1 और cos a के जोड़, उसमें अलग अलग sin a का भाग दिया, ये जो पहली राशि है 1 + sin a वो cosec a आ गया और दूसरा cos a और sin a का अनुपात cot a आ गया, यानी ये वो हमारा दायां पक्ष आ गया जो हमें सिद्ध करना है। तो ये दिखने में तो थोड़ा जटिल सा दिख रहा था, लेकिन अगर एक बार आपको पता लग जाएगा इस वर्गमूल 1 + cos a को हटाने के लिए आपको वर्गमूल 1 + cos a का ऊपर नीचे गुणा करना है और यहाँ a² - b² का सूत्र रूप पाना है और फिर चीजें आसान। हमें सिद्ध करना है कि sec a - tan a में जब sec a + tan a का भाग देंगे और पूरे का वर्गमूल लेंगे तो वो बराबर होगा cos a में 1 + sin a के भाग के बराबर। अब ये प्रश्न दिखने में बड़ा जटिल लग रहा है, कोई ऐसी रणनीति नहीं दिख रही जिससे इस प्रश्न को आसानी से किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में सरल रूप होता है कि आप sec a और tan a को sin और cos में बदल दें, तो sec a की जगह तो आप 1 - cos a लिख दें और tan a की जगह sin a / cos a लिख दें। अब आप देखिए कि परिमेय रूप में हम cos a को एक उभयनिष्ठ हर के रूप में लिख सकते हैं और यही काम हर के रूप में भी हम cos a को उभयनिष्ठ हर के रूप में लिख लेते हैं। ये जो उभयनिष्ठ हर है ये कट जाएगा और हमारा एक सरल रूप आ जाएगा 1 - sin a और 1 + sin a का वर्गमूल। अब मुझे देखना चाहिए कि ये जो 1 + sin a है ये यहाँ डिनोमिनेटर में मुझे प्रूव करना है, और मुझे पता है कि अगर मैं वर्गमूल के अंदर एक वर्ग संख्या बना देता हूँ, मैं 1 + sin a को 1 + sin a से गुणा कर देता हूँ और वर्ग संख्या बना देता हूँ, तो ये वर्गमूल क्या है गायब हो जाएगा। तो मैंने इसे क्या किया, ऊपर नीचे वर्गमूल के अंदर 1 + sin a से गुणा कर दिया और ऊपर a + b और a - b का जब सूत्र हमने लगाया और इसे लिखा a² - b² तो यहाँ sin a का स्क्वायर हो गया sin² a और वो जो त्रिकोणमिति सर्वसमिका है उससे सिद्ध हो गया कि 1 - sin² a के बराबर है cos² a के, और जब हमने वर्गमूल लिया तो ये आ गया cos a / 1 + sin a, यानी हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया। त्रिकोणमिति के इस एडवांस भाग को एक जटिल प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि sec a और tan a के अंतर और sec a और tan a के जोड़ का जो वर्गमूल है जो cos a में 1 + sin a के भाग के बराबर है। इस प्रश्न को करने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया सामने नहीं दिख रही है और sec a और tan a को sin और cos में बदलने वाली प्रक्रिया भी कोई बहुत कारगर साबित नहीं होगी। तो एक सरल बात है जो आपको याद रखनी है और वो है कि इसमें आपको ऊपर नीचे sec a - tan a का गुणा करना है। जब आप वर्गमूल में 2 बार sec a - tan a रखेंगे तो ये जो वर्ग है वो उसका वर्गमूल लेने से वर्गमूल हट जाएगा और नीचे हर में एक बहुत खूबसूरत बात होगी, आपके पास a + b और a - b का गुणा आ जाएगा जिसे आप a² - b² लिख देंगे। और ये एक महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति सर्वसमिका है कि 1 + tan² a sec² a के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं कि sec² - tan² a है वो 1 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा तो ये sec² - tan a रूप आ गया है। अब ये आसान है, आप sec को 1 - cos a लिख सकते हैं और tan a को sin a / cos a, और आप देखिए हर में जो cos a उभयनिष्ठ है वो जब हम बाहर ले लेंगे तो ये सरल सा रूप आ जाएगा 1 - sin a / cos a। अभी आप देखिएगा कि इसका वो रूप नहीं आया जो हमें सिद्ध करना है। अगर हमें ये सिद्ध करना होता कि ये जो आइडेंटिटी है वो 1 - sin a / cos a है तो हमारा प्रश्न हो चुका होता, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये cos a / 1 + sin a है। मुझे जिसे सिद्ध करना है उसके हर में 1 + sin a है, तो उसे प्राप्त करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 1 + sin a से गुणा किया। अब आप देखिए कि ये a - b और a + b का रूप आ गया और जब मैंने इसे a - b और a + b को a² - b² किया तो ये 1 - sin² a को मैंने एक सर्वसमिका जो बहुत सरल है उससे cos² a पा लिया, और आप देखिए और a cos a मेरा ऊपर नीचे कट गया तो बच गया cos a ऊपर और नीचे वो आ गया जो मुझे चाहिए था 1 + मेरी राइट हैंड साइड आ गया। हमने प्रूव कर दिया कि sec a - tan a में sec a + tan a का जब भाग करते हैं और पूरे का वर्गमूल लेते हैं तो वो cos a में 1 + sin a का भाग है या 1 - sin a में cos a का। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो है ये जो महत्वपूर्ण sec a - tan a का ऊपर नीचे हमने अंदर गुणा किया है। त्रिकोणमिति के इस एडवांस भाग में हमने बहुत सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न किए हैं और हमें उम्मीद है कि इससे आपकी विषय समझ भी मजबूत होगी और परीक्षाओं में भी अच्छे अंक लाने में मदद रहेगी। हमारी अगली इसी श्रृंखला में हम बहुत सरल सा ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का भाग बहुत रुचिकर तरीके से चर्चा करेंगे। हैप्पी लर्निंग, हैव नाइस टाइम।